हाय गाइज, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल प्रियंका फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपने हेयर फॉल से, पतले बालों से परेशान है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड हेयर फॉल हो रहा है तो उस जगह पे दूसरे हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही है बालों की। जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना हमारे हेयर से रिलेटेड, चाहे हेयर फॉल हो, हेयर थिनिंग हो, या बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो, बहुत ज़्यादा ऑयली हो आपकी स्काल्प, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम ऑयल लगाते हैं तभी हमारे बाल ऑयली होते हैं। नहीं, बहुत लोग ऑयल भी नहीं लगाते बट उनकी स्काल्प इतनी ऑयली होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेकी स्काल्प होती है, इचनेस होती है। एंड बहुत सारे लोगों को तो इतना डेंड्रफ होता है कि एलर्जी टाइप की हो जाती है। मतलब अगर आप ऐसे ऐसे रब करोगे वो वाइट वाइट कुछ फॉल होगा आपके कंधे पे, तो बहुत अजीब सी परत टाइप की होती है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आपके हेयर फॉल से लेके, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? स्काल्प से। आज मैं जो प्रोडक्ट लेके आई हूँ वो स्काल्प ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, तो जितनी भी प्रॉब्लम होंगे यूं चुटकियों में चली जाए। तो जो हेयरोनिक प्रोडक्ट्स हैं वो स्पेशली बनाए गए हैं आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपके बाल थिन हो रहे हैं, स्काल्प प्रॉब्लम, इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए वैरायटी ऑफ रेंज इज अवेलेबल ऑन हेयरोनिक। और मैं जो बताने वाली हूँ वो है हेयरोनिक हेयर साइंस सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग स्काल्प ट्रीटमेंट, एक ये सीरम है। ओके, तो ये कंट्रोल करता है ऑयल एंड फ्लेक कंट्रोल सीरम है ये, जो सुटेबल है ऑल टाइप्स ऑफ हेयर के लिए, बेस्ट फॉर ऑयली इची एंड फ्लेकी स्काल्प के लिए। ठीक है, इसके बारे में और बताऊंगी मैं, और इसको लगाना कैसे वो भी बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि सेकंड जो सीरम है वो हेयरोनिक हेयर साइंस कैफीन स्टिम्युलेटिंग स्काल्प ट्रीटिंग सीरम है। ये हेयर लॉस रिडक्शन सीरम है। ये क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? तो ये है सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग स्काल्प ट्रीटमेंट ऑयल एंड फ्लेक कंट्रोल सीरम। ठीक है, ये आपके लाइक बेस्ट है, ऑयली स्काल्प है, इचीनेस है या फ्लेकी स्काल्प है वो ट्रीट करेगी, एज वेल एज सेकेंड आपके ये दोनों चीजें अलग अलग काम करेंगे। क्योंकि ये सैलिसिलिक एसिड है, इसमें कैफीन है कि आपके हेयर लॉस को कम करेगी, बिकॉज कैफीन स्टिमुलेटिंग स्काल्प ट्रीटमेंट हेयर लॉस रिडक्शन सीरम है। ये सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेयर के लिए है एंड बेस्ट फॉर थिनिंग हेयर। ओके, तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दें। ओके गाइस, सो ये हेयरोनिक का हेयर साइंस सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग स्काल्प ट्रीटमेंट सीरम, जो कि ऑयल एंड फ्लेक कंट्रोल करता है। एंड सेकेंड वन इज हेयरोनिक हेयर साइंस कैफीन स्टिम्युलेटिंग स्काल्प ट्रीटमेंट, जो कि हेयर लॉस रिडक्शन करता है, स्पेशली डिजाइन फॉर थिनिंग हेयर। सो इसमें एक्स्ट्रा में ये कैप अवेलेबल होते हैं पैकेट्स के अंदर, कि आप इसे फिट कर सकते हो बहुत ही ईजिली, जिससे कि आप जब ये हेयर सीरम अप्लाई करो अपने बालों में तो ये जड़ों तक जाएगा। कॉम जैसे ब्रेसेस हैं इसमें, और बहुत ही ईजिली किसी भी डायरेक्शन में आप पूरे अपने स्काल्प में लगा सकते हो ये सीरम। अदरवाइज आप अपनी फिंगर्स से भी लगा सकते हो, जस्ट पाम में लेना है आपको और थोड़ा सा रब करके अपने बालों के अंदर जड़ों में आप अप्लाई कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। सैलिसिलिक एसिड स्काल्प ट्रीटमेंट एक्सफोलिएटिंग द स्काल्प इज वाइटल टू रिमूव डेड स्किन एंड प्रोडक्ट बिल्ड अप एंड गिव द रूट्स द चांस टू थ्राइव एंड लिफ्ट वर्सेस बीइंग वेन्ड डाउन। ऑफन अ ड्राई फ्लैकी स्काल्प इज कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल बाय द सेबेसिस ग्लैंड लोकेटेड नियर द हेयर फॉलिकल्स। सो दिस इज अ कैफीन हेयर सीरम। द हेयर ऑन आर स्काल्प ग्रोज साइलिकली एंड फॉलोज थ्री फेजेस, अ ग्रोथ फेज कॉल्ड द एनेगेन फेज, अ रिग्रेशन फेज कॉल्ड द कैटेगेन फेज, एंड अ रेस्टिंग फेज कॉल्ड द टेलोगन फेज। 1% कैफीन जो होता है वो हेल्प करता है टू स्टिमुलेट स्काल्प एंड हेयर फॉलिकल्स। 1% रेडिसिल्स हेल्प करता है टू रिमूव हेयर ग्रोथ वाइल रेड्यूसिंग द हेयर लॉस, एंड 1% बीटाइन हेल्प करता है कंडीशनिंग द हेयर, लीविंग इट सॉफ्ट एंड हेल्दी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स इन दैट विल लीव योर हेयर लुकिंग थिकर, फुलर एंड स्ट्रॉन्गर, मेकिंग देम अ ग्रेट हेयर लॉस सोल्यूशन। सिंपल तरीका है अप्लाई करने का, जस्ट अपने जड़ों में अप्लाई कर लेना है, अपने हाथ से मसाज कर देना है अपने फिंगर टिप्स से, एज वेल एज उसके बाद इसे कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। आप इसे 1 से 2 बार वीक में ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दिस इन योर रूटीन एंड यूज विद योर शैम्पू एंड कंडीशनर एज अ बूस्ट। एंड आपको मतलब ऐसे अप्लाई करना है कि पूरी स्काल्प आपकी कवर हो जाए सीरम से, और उसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना। दीज हेयरोनिक प्रोडक्ट कंटेन अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट टू हेल्प स्ट्रेथन योर हेयर एंड सपोर्ट योर स्काल्प विदाउट द यूज ऑफ हार्श केमिकल्स।
और हाँ, इसमें मैं बताना भूल गई, इसमें राइस ट्राइन एक्सट्रैक्ट भी है, फ्लैक्स सीड लिक्विड भी है। सो मैंने दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं गाइस, ज़रूर इसे ट्राई करें अगर आप फेस कर रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम जो मैंने स्टार्टिंग में बताई आपको, तो ज़रूर बेनिफिट देगा आपको।